नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लीगल स्पेशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि जज कैसे बनते हैं, तथा हमारा जो सेकेंड चैनल है ज्यूडिशरी मोटिवेशन, उस चैनल पे बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन आ रहा था, बहुत सारे कन्फ्यूजन उन लोगों के हैं कि सर जज कैसे बनते हैं, हम LLB करें या BA LLB। तो आज हम इन्हीं टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जज कैसे बने, जज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है। तो दोस्तों हम बता दें कि जज बनने के लिए सबसे पहले तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास LLB की डिग्री होती है, उसके बाद हर स्टेट अपना अलग अलग एग्जाम करवाती है जज बनने के लिए, जैसे UP PCSJ, MP PCSJ, बिहार का हर स्टेट अपना अलग अलग एग्जाम कराती है। आप वो एग्जाम क्वालिफाई करके जज बन सकते हैं। अब दोस्तों बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर हम LLB करें या फिर BA LLB करें, और दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों हम बता दें कि LLB या BA LLB में कोई डिफरेंट नहीं होता है। हाँ, बस एक चीज़ है कि अगर आप 12th में हैं, अगर आप 12th के बाद ही LLB करना चाहते हैं तो आपको BA LLB बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि यह 5 ईयर का कोर्स होता है। आप इंटर के बाद, 12th के बाद डायरेक्ट BA LLB करेंगे तो आपकी LLB को जो डिग्री होती है वो 5 साल में पूरी हो जाएगी। तथा अगर आप LLB करते हैं तो LLB के लिए पहले आपको 12th पास करना होगा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन में आप कुछ भी कर सकते हैं, BA, BCom, BSc, कुछ भी, उसके बाद आप LLB करने के योग्य हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर आप 12th के बाद पहले ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको 3 साल ग्रेजुएशन में लग जाएंगे, तथा उसके बाद LLB करेंगे तो 3 साल आपको LLB में, टोटल 6 साल में आपको LLB की डिग्री प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप 12th के बाद ही LLB करते हैं तो आपकी LLB की डिग्री 5 साल में ही कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों बहुत लोग का डाउट रहता है कि सर इन दोनों में कोई डिफरेंट या आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने LLB किया है या फिर BA LLB। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जज बनना है या फिर वकील बनना है, तो कुछ भी बनना हो, LLB आप कोई भी करें, बट आपको जो सूट लगे। अगर आप इंटर में हैं तो आप BA LLB करें, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो आप LLB करें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमें अगर BA LLB करना है तो कहाँ से करें, तथा अगर LLB करना है तो वो कहाँ से करें। तो दोस्तों इसमें पहली बात ये आती है कि आप LLB क्यों करना चाहते हैं। क्या आपको ज्यूडिशरी एग्जाम देना है, आपको जज बनना है, या फिर आपको वकील बनना है, एक एडवोकेट बनना है। तो दोस्तों हम बता दें कि अगर आप जज बनना चाहते हैं या एडवोकेट बनना चाहते हैं, कुछ भी, तथा आप इंटर में हैं, तो आपको BA LLB के लिए CLAT का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि CLAT जो है वो इंडिया की टॉप लॉ यूनिवर्सिटी में आती है। CLAT के थ्रू आप इंडिया के टॉप लॉ यूनिवर्सिटी पा सकते हैं, तथा आप अपनी लॉ की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तथा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको 3 ईयर LLB करनी है, तो अगर आपको ज्यूडिशरी में जाना है तो सबसे बेस्ट मेरी राय में यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ज्यूडिशरी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपनी LLB BHU, या फिर BHU के बाद अगर कहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तथा उसके बाद हम लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप अपनी LLB की डिग्री यहाँ से ज़रूर लें, आप इसके लिए प्रिपरेशन करें। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्ज़ाम कराती हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, वहाँ से LLB करें, तथा वहाँ की जो स्टडी होती है वो एक ज्यूडिशरी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट मानी जाती है। और दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर हम जज कितने ईयर में बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने साल में ज्यूडिशरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। वैसे तो इसकी जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर, तथा 35 ईयर मैक्सिमम एज है, यानी कि 21 से 35 साल के बीच में आपकी एज होती है, इसके बीच में आप जज के लिए एलिजिबल हैं, आप जज बन सकते हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया के यंगेस्ट जज हैं मयंक प्रताप सिंह, उन्होंने 21 साल में कैसे जज बना, 21 साल में वो बंदा कैसे जज बन गया। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही बात है कि उनकी जो LLB की डिग्री है वो आप उन्होंने पहले ही पूरा कर ली थी, यानी कि उनका जो एज है वो एज कम करके लिखाया गया था,
या फिर शहरों में ऐसा अक्सर होता है कि एज कम करके लिखवाया जाता है, तो उनकी जो LLB की डिग्री है उन्होंने LLB की डिग्री अपनी पहले पूरी कर ली जिससे वो 21 साल में ही जज बन गए। आप भी ऐसा बन सकते हैं अगर आप 21 साल से पहले LLB की डिग्री पूरी कर लेते हैं, तथा उन्होंने मेहनत बहुत की थी। अगर आप भी मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर बन सकते हैं इंडिया के यंगेस्ट जज। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं, तथा अगर डाउट अब कोई नहीं है, आपका सब डाउट सॉल्व हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, तथा ऐसे ही लीगल नॉलेज, ऐसे ही लीगल राइट्स के लिए अपने चैनल लीगल स्पेशल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।